शानदार फील्डिंग और बहुत ही शानदार गेंदबाजी दर्शन अनिल जी छाजेड़ की ओर से हमें आज देखने मिली है। यहाँ पे दर्शक आए हुए सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। फिर से एक और बार मैं कहता हूं, निधि सुपर किंग्स को 57 रन रोकने हैं अगर मैच जीतना है तो। निधि सुपर किंग्स को 57 रन रोकने हैं अगर मैच जीतना है तो। वंस अगेन ऑल द बेस्ट निधि सुपर किंग्स। एम्पायर जल्दी से जल्दी मैच स्टार्ट करें। बैटिंग सत्यम और दर्शन और सत्यम। ओपनर बल्लेबाज माजी साहब टाइगर। क्या कमाल दिखा पाएंगे दर्शन, जो बॉलिंग में दिखा पाए हैं वो बैटिंग में दिखा पाएंगे। मिलन भाई आपका क्या कहना है? जिस हिसाब से दर्शन ने हाथ से बॉल घुमाई है, ऐसी दर्शन खड़े खड़े छक्के मारे तो आज तो यहाँ के मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज भी शायद लेके जा सकते हैं। वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू माजी साहब टाइगर्स एंड निधि सुपर किंग्स। थैंक यू। और सुना है निधि सुपर किंग की बहुत अच्छी बॉलिंग है। सुबह के नाश्ते के लाभार्थी है लाभार्थी परिवार वशी देवी सुल्तान मस्जिद श्री श्री माल परिवार। दोपहर के खाने के लाभार्थी परिवार खोलो मत। कई जगह गए दोपहर के खाने के लाभार्थी परिवार मातुश्री अंशी देवी रिक्त दाजी छाजेड़ परिवार। दोपहर हाई टी के लाभार्थी परिवार कमला देवी प्रकाशन जी बोरा परिवार। शाम को खाने के लाभार्थी परिवार मातुश्री मोहनी देवी देवीचंद जी छाजेड़ परिवार। सभी अनुमोदना करते सभी लाभार्थियों की। अक्षय बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हुए अक्षत बहुत ही अच्छे बॉलर है। एम्पायर कुछ डिसाइड करते हुए अक्षत नो बॉल एम्पायर द्वारा नो बॉल का इशारा। एम्पायर द्वारा नो बॉल का इशारा। सत्यम अक्षत बॉलर नेम अक्षत चले सामने सत्यम सामना करेंगे। सत्यम फ्री हिट का क्या फायदा उठा पाएंगे? सत्यम बहुत ही हिटर वाइड बॉल एम्पायर द्वारा वाइड बॉल। अभी भी सत्यम के पास फ्री हिट है। सत्यम अक्षत बॉल फेंकते हुए सत्यम बीट हुए। बहुत ही अच्छी बॉलिंग अक्षत की बहुत ही अच्छी बॉलिंग अक्षत बहुत ही अच्छी स्विंग करते हुए अक्षत और एक और बीट सत्यम अक्षत बहुत ही अच्छी बॉलिंग अक्षत सामने करेंगे। सत्यम घुमा दिया है हवा में सिंगल से संतुष्ट सत्यम अक्षत जाने माने बॉलर अक्षत। ओ बीट हुए सत्यम बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए अक्षत। सत्यम अक्षत बहुत ही शानदार प्रदर्शन माजी सा टीम और निधि सुपर किंग। आप बच्चों का तालियों से इनका अभिवादन करें ताकि बच्चों में एक जोश जज्बा बना रहे। कृपया दर्शक को दर्शक बन के नहीं रहने का है,
बच्चों में जोश आना चाहिए। तो आप जो भी यहाँ पे क्रिकेट में जो मैदान में खेल रहे हैं उनका सबका हौसला अफजाई करें। खूब खूब वास्तव में क्या जोरदार शॉट मारा है और ये चार रन, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सत्यम सत्यम सिंघवी, ये हमारे पुत्र, और दूसरी बॉल में एक रन और ये दूसरी रन का प्रयास कर रहे हैं लेकिन एक रन में इन्होंने अपना काम यहीं पे रोक दिया है। सत्यम द्वारा खूब खूब अच्छा प्रदर्शन, उसी के साथ में दर्शन एक अच्छे टारगेट को लेके जा रहे हैं। शुरुआती जो पारी चल रही है माजीसा की, एक अच्छा इनका जोश माजीसा में बना हुआ है। युवा ब्रिगेड आप सभी का खूब खूब हार्दिक अभिनंदन करता है जो आप लोग अपना समय निकाल कर आज पधारे हो। मैं तमाम बाड़मेर युवा ब्रिगेड कमेटी की तरफ से आप सभी महानुभाव का खूब खूब हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ में जो जो लाभार्थी परिवार है जिन्होंने भी सहयोग राशि दी है, लाभार्थी क्या बात है, मात्र थोड़ी सी चूक में कोई बात नहीं। एक अच्छे राजू भाई हमारे छाजेड़ भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये क्या बात है, बहुत बढ़िया सिंगल रन की ओर। हमारे नन्हे मुन्ने जो बाल कला बाल गोपाल जिन्होंने आज ये मैच में दबा के, क्या बात है, बहुत बढ़िया संदीप भाई, संदीप बोकड़िया, कैप्टन संदीप जी बोकड़िया बहुत ही दबा के खेल रहे हैं आज और वास्तव में कैप्टन है भाई, कैप्टन में तो जोश जरूरी है, गाजा बाजा कैप्टन ला रहे हैं भैया, क्या बात है। वारे सेठिया जी, सेठिया जी एक थम बता रहे हैं कि जीतेंगे तो हम जीतेंगे और क्या बात है। ओवर के बाद रन की ओर, मैं रन आपको बताना चाहता हूं कितना रन हुआ है भैया, 13 रन और एक विकेट, और ओवर कितना भैया, दूसरा दो ओवर कंप्लीट हो गया है और तीजे ओवर की तरफ बढ़ रहा हूं। और क्रिकेट पहली बार भिवंडी में एक आगाज हुआ है, भिवंडी धरती पर पावर प्ले, पावर प्ले की मांग की है यहाँ पे माजीसा टाइगर्स की तरफ से। दो ओवर 13 रन एक विकेट की नुकसान पर बहुत ही शानदार स्ट्रेटजी जमाई जा रही है निधि सुपर किंग्स की ओर से और यहाँ पे बैट्समैन भी प्रेशर में है, सत्यम सिंह भी एंड संदीप जी बोकड़िया उफ कैप्टन। अक्षय को लाया गया है बॉलिंग में, पावर प्ले पे भरोसा करके अक्षय को दिया है बॉलिंग। विकेट कीपिंग पे आए हैं हमारे नन्हे मुन्ने MS धोनी। थोड़ा फास्ट कीजिए, आगे भी बहुत सारे मैचेस बाकी है, यहाँ पे तावड़ा फटोफट आए जा रहा है, इसके लिए थोड़ा ध्यान रखे। और यहाँ पे कैच की मांग, ओहो बहुत ही शानदार ट्राई अक्षत की ओर से, बहुत ही शानदार ट्राई, तालियों की कमी नहीं रहनी चाहिए ऐसे प्लेयर्स की, प्लीज धन्यवाद। बहुत ही शानदार फील्डिंग अक्षत संगलेचा की ओर से, क्या बात है। और ये सत्यम ने बैट घुमाया है और यहां पे फील्डर के ऊपर से सिक्स एम्पायर के दोनों हाथ ऊपर, क्या बात है डीजे, थैंक यू। और यहां पे कैच की मांग, क्या बात है, बहुत ही सिंगल से संतुष्ट रहेंगे, बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी है सिक्स मारने के बाद सिंगल। अभी संदीप पोकड़िया कैप्टन, अक्षय छाजीट सामने और ये अक्षत संगलेचा के ऊपर से बहुत ही शानदार सिक्स और एम्पायर अपने दोनों हाथ ऊपर, पांच बॉल। और यहाँ पे निधि सुपर किंग्स बहुत ही प्रेशर में, हमारे यहाँ पे ओनर मुकेश जी सिंह भी थोड़े टेंशन में हैं।
सिक्स वेयर नहीं था सीटीएम सिक्स ओ बहुत ही शानदार कमबैक अक्षय चाजेड़ की ओर से तीन ओवर 28 रन एक विकेट की नुकसान पर बहुत ही शानदार कोई प्रेशर नहीं है माजीसा टाइगर्स पे आराम से तीन ओवर में 28 बनाए हैं और ही तीन ओवर में 28 रन चाहिए है माजीसा टाइगर्स को। निधि सुपर किंग्स के महावीर बहुत ही टेंशन में है और प्रेशर में है बॉलिंग पे आए हैं सत्यम सिंह भी बैटिंग पे और राजू छाजेड फील्डिंग सेट कर रहे हैं बहुत ही शानदार। वाइड का इशारा एम्पायर ने दिया है वाइड का इशारा बहुत ही शानदार बॉलिंग अपील की है महावीर सिंह की ओर से बहुत ही शानदार अपील ओह बहुत ही शानदार बॉलिंग क्या ये बॉलिंग माजीसा टाइगर्स को प्रेशर में डाल सकती है ओह बहुत ही शानदार सिंगल की प्रयास किया है और मिस फील्ड पकड़ के अक्षय साजेड ने बॉल पकड़ ली है संदीप बुकड़िया कैप्टन आते हुए पसीने से इतर बितर होके अब करेंगे महावीर का सामना मैच जीतना है तो खून पसीना एक करना पड़ेगा संदीप भाई और ये महावीर की आखिरी बॉल भरत जी मालू का हार्दिक स्वागत और ये कैच होल बहुत ही शानदार ओहो क्या बात है बहुत ही शानदार फील्डिंग अक्षय छाजेड की ओर से प्लेयर गुड प्लेयर अक्षय छाजेड सत्यम सिंह भी ओपनिंग से आए हुए अभी तक क्रीज पे टिके हुए हैं पूरी टीम का प्रेशर लेके चल रहे हैं और सामने उनके कैप्टन जज्बात बढ़ा रहे हैं संदीप जी बोकड़िया और ये चौथी बॉल और ये कैच क्या बात है सुरेश जी शानदार सुरेश जी सिंह की ओर से शानदार कैच बहुत ही शानदार मैं निधि सुपर किंग्स के ओनर से कहूंगा चीयर करे और डांस के साथ डीजे का लाभ उठाए यो एक बार बाकी है बैटिंग पे आए हैं अंकित बहुत ही शानदार संत्या सिंह की ओर से बैटिंग प्लीज तालियों से उनको आमंत्रित करें बहुत ही शानदार महावीर सिंह ने बहुत ही शानदार ओवर किया है अंकित भाई ओहो बहुत ही शानदार प्रेशर में आ गई है माजीसा टाइगर्स बहुत ही प्रेशर में आ गई है दो ओवर बाकी है सिर्फ दो ओवर में 26 रन चाहिए मात्र 26 रन संदीप जी भोकड़िया को 26 रन मारने हैं अगर टीम को आगे तक लेके जाना है और यहां पे आए हैं मुकेश जी फ्रॉम निधि सुपर किंग्स की ओर से दो ओवर में 26 रन चाहिए यहां पे निधि सुपर किंग्स के ओनर मुकेश जी सिंह के चेहरे पे बहुत ही शानदार मुस्कान आ गई है दो ओवर 26 रन चाहिए बहुत ही शानदार और यहां पे माजीसा टाइगर्स के ओनर हितेश जी धारीवाल थोड़े टेंशन में हैं पर मैं उनको कहता हूं अपने भरोसे पे रखे संदीप जी भोकड़े आपके कैप्टन उन पे थोड़ा भरोसा रखे दो ओवर में 26 रन नो बॉल का इशारा और इसमें बैट्समैन को फायदा मिलेगा फ्री हिट का एम्पायर का एक उंगली ऊपर फ्री हिट बॉलिंग है बहुत ही शानदार कमबैक समीर नाटा का बहुत ही शानदार
और ये कैमरामैन भी डर गए थे एक बार कैमरामैन के ऊपर से शानदार सीटीएम सिक्सर। एम्पायर अपनी बाय फैलाते हुए वाइट दे रहे हैं, वाइट का करारा डिसीजन, बहुत ही शानदार डिसीजन वाइट। और ये ग्राउंड शॉट खेला है अक्षर संगलेचा बैकअप देते हुए अपनी टीम को, बहुत ही शानदार। सत्रह रन चाहिए मात्र माजीसा टाइगर्स को। अभी भी निधि सुपर किंग्स बहुत ही प्रेशर में है। व्हाइट का एम्पायर ने अपनी बाय फैला के व्हाइट दे दिए हैं, बहुत ही शानदार डिसीजन एम्पायर की ओर से। अंकित जी खेल रहे हैं बैटिंग पे, सामने कैप्टन संदीप जी बोकड़िया, बॉलिंग पे समीर नाटा। और ये एक बहुत ही शानदार कोशिश महावीर की ओर से, बट ठीक है सिंगल से संतुष्ट रहना पड़ेगा। बहुत ही शानदार महावीर जी कैचेस विन द मैचेस, ये ध्यान रखना। और ये ओहो बहुत ही मिस फील्डिंग, क्या ये मिस फील्डिंग हार का कारण बन सकता है? शायद ये मिस फील्डिंग हार का कारण बन सकता है, कोई बात नहीं, बहुत ही शानदार। और ये सिक्स, डीजे माजी सर टाइगर्स, बहुत ही शानदार बैटिंग, कैप्टन ने अपनी कैप्टनसी बारी खेली है, बहुत ही शानदार। छह बॉल में मात्र पांच रन चाहिए, छह बॉल में मात्र पांच रन, सत्रह रन आए हैं इस ओवर में। बहुत ही शानदार छक्का मारा है सीटीएम बाउंड्री बाय संदीप बोकड़िया। और छह बॉल में मात्र पांच रन चाहिए, राजू जी बॉलिंग पे आते हुए। और ये क्या बात है, क्या लगता है राजू जी, ये मैच को पूरा अपनी ओर खींच सकते हैं क्या कैप्टन राजू भाई? पांच में पांच चाहिए है। और ये दूसरे की मांग नहीं, संदीप बोकड़िया कह रहे हैं मैं ही स्ट्राइक रखूंगा और मैं ही सीटीएम सिक्स या फोर से अपनी टीम को जीत दिलाऊंगा। बहुत ही शानदार बाउंड्री की ओर देखने जा रहे हैं संदीप बोकड़िया। ओ तीन बॉल, बहुत ही शानदार बॉलिंग राजू भाई की ओर से। कैच, ओ क्या बात है, सीटीएम सिक्सर से मैच को दिलाई है जीत, वन टॉप, क्या बात है डीजे। क्या बात है, माजीसा टाइगर विन ऑफ द मैच। आज का जो दोनों का मैच में माजीसा ने पूरे दमखम के साथ आज के मैच को विजय दिलाई है, खूब खूब माजीसा टाइगर की अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। इसी के साथ में आज का ये मैच का मैन ऑफ द मैच श्रीमान दर्शन कुमार अनिल कुमार जी छाजे, मैन ऑफ द मैच। तालियों के साथ दर्शन का अभिनंदन, तालियां, क्या बात है। मिस्टर हार्दिक जी पुषप जी डांगरा, आप कृपया स्टेज पे जाकर मिस्टर दर्शन अनिल कुमार जी छाजेड़ को मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी प्रदान करें। जो ट्रॉफी के लाभार्थी मिस्टर हार्दिक पुषप जी डांगरा, आप कृपया स्टेज पर पहुंचकर और मैन ऑफ द मैच मिस्टर दर्शन अनिल कुमार जी छाजेड़ को ट्रॉफी प्रदान करें। बहुत खुद प्रयास फोटोग्राफर, कृपया अपने फोटो से ये माहौल को कैद करें। फोटोग्राफर कृपया स्टेज पर पहुंचे। अभी मैच की चौथी श्रृंखला मैच की शुरुआत हो रही है, जो आज के दर्शक
हमारे जो महिला है, विशेष महिलाओं को, विशेष जो महिलाएं वर्ग जो आज यहाँ पहुंचे हैं इस गर्मी में, इस दोपहर की गर्मी में जो महिला वर्ग यहाँ पहुंची है, बाड़मेर युवा ब्रिगेड आप सभी महिला मंडल का और हमारे नन्ही मुन्नी बालिकाओं का खूब अभिनंदन करता है, जो आप इस गर्मी में इन बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए आप पधारे हैं। बाड़मेर युवा ब्रिगेड आप सभी का खूब खूब अभिनंदन करता है, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अभिनंदन। संकेश्वर फाइटर्स वर्सेज रामदेव रॉयल्स, क्या बात है। टॉस टॉस बॉस का टॉस, कृपया विकास जी बंसी दर्जी डोसी पधारे और टॉस का बॉस अभी नहीं, सेकेंड इनिंग में, सॉरी अभी। फाइटर्स रामदेव रॉयल्स वर्सेज रामदेव रॉयल्स के दोनों नन्हे मुन्ने ओपनर आए हैं, आर्यन बोरा और सामने नॉन स्ट्राइक के मानस संकलेजा, बहुत ही शानदार डिसीजन। टॉस संकेश्वर टाइगर्स ने टॉस जीत लिया है और बॉलिंग का फैसला लिया गया है, बहुत ही शानदार डिसीजन बाय संकेश्वर टाइगर्स। बाहर से पधारे हुए मेहमानों का बाड़मेर युवा ब्रिगेड खूब खूब अभिनंदन करता है। हमारे बॉम्बे से श्रीमान रक्तारमन जी लुणिया, श्रीमान बंसीधर जी शीशीमाल और हमारे छगनलाल जी भैया सूरत से पधारे हैं। हम बाड़मेर युवा ब्रिगेड आपका खूब खूब अभिनंदन करते हैं। वासी से हमारे श्रीमान ज्ञानी राम जी धारीवाल आपका भी खूब खूब अभिनंदन करते हैं। श्रीमान छगन जी घिया कृपया आप स्टेज पे पधारे और हमारे छगन जी हमारे स्वयं एजेंसी भियाड़ वाले, आपने आज समय निकालकर आज हमारी विनती समझ के संडे को आप भिवंडी रुके, आपका खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब अभिनंदन। हेलो, एक बार मैं नाश्ते के लाभार्थी का नाम लेता हूँ। श्रद्धेय मातुश्री वसी देवी सुल्तान मल जी दिव्य आशीष से पुत्र डोंगर मल जी, मोहिनी देवी पुत्र अशोक कुमार जी, हनुमान दास जी पर पुत्र दर्शन, प्रियांशु शिशिमाल परिवार, खूब खूब अनुमोदना और खूब खूब धन्यवाद। दोपहर के भोजन के लाभार्थी श्री ऋषभ दास जी एवं श्री हंसराज जी छाजेड़ की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंशी देवी डूंगरमल जी, अनिल कुमार जी, अरुण, दर्शन, खुश समस्त श्रेणी छाजेड़ परिवार की ओर से हरसानी वाले खूब खूब अनुमोदना, खूब खूब अनुमोदना। और ये पहली बॉल ललित की ओर से वाइट का डिसीजन दिया गया हुआ एम्पायर की ओर से। क्या बात है, बहुत ही शानदार शॉट आर्यन बोरा की ओर से। दोनों नन्हे मुन्ने बैट्समैन उतरे हैं रामदेव रॉयल्स की ओर से, क्या लगता है ये अपनी टीम को आगे पहुंचाएंगे स्कोर से, देखते हैं। और ये दूसरी बॉल, बहुत ही शानदार बॉलिंग। और ये बहुत ही शानदार कट मानस संगलेचा की ओर से। बहुत ही शानदार बॉलिंग ललित जी संगलेचा उर्फ कैप्टन की ओर से। और ये क्या बात है, बहुत ही शानदार रनिंग आर्यन और मानस की ओर से, बहुत ही शानदार शॉट, बहुत ही शानदार शॉट। और ये आर्यन रमेश जी बोरा आउट हो चुके हैं, क्या बात है, बहुत ही शानदार विकेट।
इसके साथ में 6 ओवर पूरे होते हैं। रामदेव रोज का स्कोर 75 बने हैं और जीत के लिए संकेश्वर टाइगर्स को चाहिए 76 रन। अभी रामदेव रॉयल्स को बहुत ही शानदार स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी अगर उनको आगे जीत का और सामना करना है तो। जिस तरह बैटिंग में व्यवस्था ने प्रयास की उसी तरह फील्डिंग में भी उन्हें समझ बूझ के उतरना पड़ेगा। 76 का टारगेट। मैं टॉस के लिए आगे बुलाना चाहूंगा गुरुदेव ब्लास्टर्स के कैप्टन को और निधि सुपर किंग्स के कैप्टन को और हमारे टॉस के बॉस विकास जी डोसी को मैं बुलाऊंगा टॉस के लिए आगे आए। धन्यवाद। हमारे टॉस के जो बॉस है विकास जी डोसी वो सिक्सर के भी बॉस ही निकले। रामदेव रॉयल्स की स्कोरिंग में विकास जी के छक्कों का बहुत बड़ा योगदान है और अगर ये चारों तरफ नेट नहीं लगी हुई होती तो उनके मारे हुए छक्कों की बॉल लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाना पड़ता। हेलो, हमारे यहाँ श्रीमान मनीष जी सर और चेतन जी मस्तान यहाँ पधारे हैं। बाड़मेर युवक ब्रिगेड आपका खूब खूब हार्दिक स्वागत करता है। श्रीमान मनीष जी साहब और हमारे चेतन जी मस्तान साहब आपका बाड़मेर युवा ब्रिगेड खूब खूब अभिनंदन करता है। वेलकम वेलकम बाड़मेर युवा ब्रिगेड। बहुत बहुत स्वागत है मेहमानों का। हाँ जी, हमारे यहाँ मुंबई से जो पहले हमारे मोहनलाल होटलमल में पहले हमारे मुकेश जी जो मोहनलाल होटलमल में थे अभी इन्होंने खुद की नई दुकान मिलेनियम ज्वेलर्स आज यहाँ हमारे स्टेडियम में पधारे हैं। श्रीमान मुकेश जी मेहता साहब मिलेनियम ज्वेलर्स आपका बाड़मेर युवा ब्रिगेड खूब खूब अभिनंदन करता है। वेलकम मुकेश जी मेहता साहब, वो वेलकम। निधि ने टॉस जीत कर बॉलिंग ली है, क्या बात है। निधि बॉलिंग कर रही है और हमारे निधि सुपर किंग ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का डिसीजन लिया है। अगले मैच के लिए इस मैच के लिए रामदेव रॉयल्स का स्कोर 75 था और उन्होंने 76 रन का टारगेट रखा है। 76 ऑन टारगेट रामदेव रॉयल्स के लिए। संकेश्वर फाइटर को 76 रन बनाने हैं जीतने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। लीप मैचेस का ये मैच चल रहा है, चौथा मैच। हमारे यहाँ श्रीमान मांगीलाल जी नैनमल जी संकलेचा मालेगांव से पधारे हैं। मांगीलाल जी का खूब खूब अभिनंदन, बाड़मेर युवा ब्रिगेड आपका खूब खूब स्वागत करता है। श्रीमान मांगीलाल जी साहब, देखिए सब आप सब खासकर खिलाड़ी लोगों से एक विनती है, गर्मी का टाइम है, डिहाइड्रेशन की संभावना है, आप बार बार एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल करते रहे इस बात का विशेष ध्यान रखें। और एनर्जी ड्रिंक कमेंटेटर बॉस के पीछे है, आप इसका विशेष ध्यान रखें कि आप उसका उपयोग करते रहे। एनर्जी ड्रिंक के लाभार्थी श्रीमान आला वाला परिवार। देखिए खाली आप अपनी प्यास को बुझाने की बात नहीं है, ये वक्त भयंकर गर्मी का है, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए एनर्जी ड्रिंक का इस्तेमाल हर प्लेयर को करना ही चाहिए लगातार ताकि शरीर में पानी की कमी ना आए और जोश बना रहे। और आज रामदेव रॉयल्स की तरफ से जो विकास जी ने खेल दिखाया है, वेल डन वेल डन। आज उनके खेल में उनकी कलाइयों का इस्तेमाल दिखाया है अपन ने। वेल डन सुपर सीडीएम का सिक्सर। जीतू भाई का चपेला छक्का और ये चार और बाउंड्री, ये सीडीएम की बाउंड्री। सीडीएम फोर, स्कोर बताइए।
स्कोर बताइए सब। ओवर खत्म हो गया, पहले ओवर का समाप्ति चालू है। सॉरी मिच्छा, तीन बॉल दस रन और ये कैच छोड़ा। ड्रॉप ड्रॉप, जीतू का कैच भारी पड़ेगा। जीतू भाई हिटर, भारी पड़ा कैच छोड़ना। हाँ एक लिया, बाद के एक रन लिया। अब स्टाइक भाई संजय भाई, देखते हैं अभी क्या कमाल करते हैं वो। तगड़े प्लेयर, बॉलिंग में तो कुछ नहीं कर पाए, अब बैटिंग में क्या करते हैं। अरे शानदार बॉलिंग विकास जी की, बीट वे बैट्समैन। वाह, और कैच ड्रॉप किया लेकिन एक फील्डिंग अच्छी हो गई। बॉल ने टप्पा खा लिया था, अच्छी फील्डिंग। एक ओवर 11 रन, एक ओवर 11 रन बिना विकेट। शंकेश्वर फाइटर्स, अब अगला बॉलर है मानस संगलेजा और जीतू भगोड़िया। बैटिंग की तरह विकास जी ने बॉलिंग भी बहुत शानदार करी है। 11 रन खाए जरूर। वेल दूसरा ओवर मानस बॉलिंग करते थे। दूसरे ओवर की दूसरी बॉल और ये कड़क, अच्छी फील्डिंग। अरे वेरी गुड, वेल एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। आर्यन वेल फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग। स्ट्राइक पे है जीतू बोकड़िया, जीतू बोकड़िया बॉलिंग मानस। और ये बल्ले पे बॉल अच्छी तरह आई नहीं, सिंगल लंबा शॉट। डबल वेल गुड रनिंग। भाग के दो रन लिए। लवली शॉट और ये 6 रन। सीडीएम का सिक्सर, लंबे टारगेट को अचीव करने के लिए ऐसे ही लंबे शॉट लगाते रहना पड़ेगा। बीट हुए, चार बॉल वाइड बॉल। और ये बॉल हवा में लेकिन नेट पे लग के नीचे गिरी, कैच छूटा, कोई रन नहीं। एक रन मिलेगा। संकेश्वर का स्कोर 23। बैट चेंज करने के लिए गए हैं बैट, बैटर को कुछ तकलीफ हो रही है, अपना बल्ला चेंज करते हुए समय का ध्यान दीजिए। अब देखते हैं ये नए बैट से क्या कमाल करते हैं, क्या पता ये छक्का मारते हैं कि खुद चले जाते हैं बाहर। दो ओवर 23 रन। जीतू जी संघ कलेचा बॉलिंग करते हुए, ये तीसरा ओवर पावर प्ले है। पावर प्ले जीतू विर्सेस जीतू। जीतू भाई रामदेव रॉयल्स के कैप्टन बॉलिंग करते हुए। सीटीएम सिक्सर और ये आया है छक्का। एक और सिक्सर, सीटीएम सिक्सर। ये नए बैट का कमाल है, अब ये देखना है बल्ले का कमाल है या बल्लेबाज का। एक और सीटीएम का सिक्सर हैट्रिक, 3 छक्के एक साथ सीटीएम बाउंड्री।
जीतू भाई अपनी 56 की छाती दिखाते हुए, बल्ले में दम है, बल्लेबाज में भी दम है। हेलो, बीट हुए 42 का स्कोर, स्कोर 42 संकेश्वर। और ये शानदार शॉट, अंपायर का इशारा 4 रन, सीडीएम का चौका, सीडीएम का चौका यार, बोलो मत सीडीएम को, कितने ही बल्ले बदल दो चौका तो सीटीएम का रहेगा। बाउंड्री 3 ओवर की समाप्ति हो गई है और 46 46 रन बन चुके हैं विदाउट विदाउट एनी लॉस। गजब है भाई, नेक्स्ट 18 बॉलों में 30 रन चाहिए जीत के लिए। और ये दोनों खिलाड़ी तो आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे भाई, बीट हुए। नए बॉलर है सुनील, वाइट बॉल, वाइट बॉल, सुनील भाई की अच्छी बॉल हो रही है, अभी अच्छा फेंक रहे हैं ये। और ये आउट, एम्पायर डिसीजन आउट। इसी के साथ संकलेचा फाइटर्स का पहला विकेट गिर गया। नेक्स्ट प्लेयर भरत संकलेचा, ठोकर ताली, ठोकर छक्का, सुनील टू भरत संकलेचा। भारत भाई वेलकम ग्रुप वाले, सिक्सर मैन के नाम से मशहूर, बुरी तरह से बीट हुए, आराम से खेलिए, बॉल को देखिए। ओवर, ओवर, ओवर की समाप्ति, 12 गेंदों में 28 रन चाहिए जीत के लिए संकेश्वर फाइटर्स को। 40 ओवर का संकेश्वर का स्कोर 48 रन, 4 ओवर की समाप्ति पर जीतने के लिए उन्होंने 18 रन बनाने हैं और 28 रन का स्कोर अचीव करना है, 12 बोले बची है, अगली 12 गेंदों पे इनको जीतने के बनाने 28 रन फॉर संकेश्वर फाइटर्स को अगले दौर में घुसने के लिए। अभी तक रामदेव रॉयल्स की अच्छी गेंदबाजी, यस सिक्सर, सीडीएम का सिक्सर, वाह जीतू भाई। ग्यारह 22 जीत के लिए, एक और छक्का, सीडीएम सिक्सर, ये मैच रोमांचक है। 10 बॉलों में 16 रन चाहिए जीत के लिए, जीतू भाई की हाफ सेंचुरी इसी छक्के के साथ, हाफ सेंचुरी इस टूर्नामेंट में, हाफ सेंचुरी बनाने वाले ये दूसरे प्लेयर है, पहला प्लेयर मिलन चतुराई से एक रन लिया
और दूसरे के लिए दौड़ने का विचार, लेकिन दौड़े नहीं। 9 गेंदों में 15 रन चाहिए जीत के लिए। स्ट्राइक पे भरत भाई। बीट हुए। सिंगल से ही संतोष करना पड़ेगा। मिलन 8 गेंदे 14 रन जीत के लिए। एक रन 7 गेंदों में 13 रन। अब आखिरी बॉल पे निर्णय होगा, प्रेशर कहां है। शानदार शॉट, बाउंड्री, सीडीएम बाउंड्री। 4 रन, 1/9 रन जीत के लिए। आज के इस कार्यक्रम में ट्रॉफी के लाभार्थी श्रीमान पुष्पराजी डांगरा पधारे हैं। बाड़मेर युवा ब्रिगेड उनका हार्दिक अभिनंदन करता है। साथ ही श्रीमान मांगीलाल जी बोथरा भी पधारे हैं एवं महेंद्र जी सेठिया भी पधारे हैं। बाड़मेर युवा ब्रिगेड हार्दिक अभिनंदन करता है। पधारिए सर, धन्यवाद। आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन। लास्ट ओवर, 9 रन की जरूरत। बाड़मेर प्रीमियर लीग महेंद्र जी सेठिया का बॉम्बे से पधारे हुए हार्दिक स्वागत करता है। एक ओवर में 9 रन और जितेश बोकड़िया अभी तक स्ट्राइक पे हाफ सेंचुरी के बाद भी प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं। सूर्य जी बहुत ही युवा बॉलर और ये बहुत ही शानदार बॉलिंग। बहुत ही शानदार, 5 बॉल में 9 रन। प्रेशर में है जितेश बोकड़िया मैच और सामने सूर्य जी से सिंह भी बहुत ही प्रेशर में। और ये कैच की मांग की है रामदेव रॉयल्स ने, पर सिंगल से संतोष। भरत जी वेलकम स्ट्राइक पे। 4 बॉल में 8 रन चाहिए। बहुत ही शानदार, आए हुए सभी मेहमानों का हार्दिक स्वागत। शानदार सीटीएम सिक्सर, क्या बात है भरत जी की ओर से शानदार सीटीएम सिक्सर। एक ही सिक्सर ने सारा प्रेशर डाउन कर दिया। सिर्फ 2 रन की आवश्यकता। एक और, ये क्या बात है, बहुत ही शानदार सिक्स सीटीएम सिक्सर छक्के के साथ ही और माजी सर टाइगर्स वन दी मैच। आज का ये मैच लीप मैच मेरा मैच है। संकेश्वर फाइटर वन द मैच। संकेश्वर फाइटर्स वन द मैच। शानदार परफॉर्मेंस जीतू भाई की। भरत जी बहुत बहुत बधाई हो संकेश्वर फाइटर्स को। क्या बात है, जश्न मनाते हुए मैदान में संकेश्वर फाइटर्स। दोनों ही टीमों ने बहुत ही शानदार। नेक्स्ट मैच गुरुदेव ब्लास्टर्स वर्सेस निधि सुपर किंग्स। अगला मैच निधि सुपर किंग और गुरुदेव ब्लास्टर्स। लास्ट टाइम मिलन ने 50 रन बनाए थे, इस बार देखते हैं क्या परफॉर्मेंस होगी मिलन सेठिया की तरफ से। मैन ऑफ द मैच जितेश बोकड़िया, मैन ऑफ द मैच जीतू भाई, बहुत बहुत बधाई। निधि सुपर किंग्स वॉन द टॉस, ऑफ टू बॉल फर्स्ट। बैट्समैन स्टेडियम में आते हुए प्रेम, खिलाड़ियों से एक बार फिर से अनुरोध, समय समय पर एनर्जी ड्रिंक लेते रहें। ओपनिंग चिराग और प्रेम, मैन ऑफ द मैच पापा।
पिछले मैच के विजेता संकेश्वर फाइटर्स के जीतू भाई बोकड़िया को मैन ऑफ द मैच मिला है, पुष्प जी डांगरा के हाथों उन्हें मिलेगा। बहुत बहुत बधाई। अरे भाई साहब, एक बार कैमरे वाले से अनुरोध है, कृपया स्टेज की तरफ जावें। पहुंच गया, धन्यवाद। अगला मैच, प्लेयर्स ऑन द फील्ड, बहुत प्रेशर में दिखते हुए, सुपर किंग वर्सेस गुरुदेव ब्लास्टर्स। गुरुदेव ब्लास्टर्स ओपनिंग में आए हैं, बल्लेबाजी का फैसला किया और चिराग डीजे साउंड के लाभार्थी श्री मुकेश जी बोहरा, दिलीप जी भंसाली, दिनेश जी शर्मा, संकेश्वर एजेंसी का खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब स्वागत बाड़मेर लीग क्रिकेट टीम की तरफ से। मैच के हर सिक्सर, हर चौके, हर पड़ाव पे जो डीजे का म्यूजिक हमने को मिलता है सुनने को, उनके लाभार्थियों को बहुत बहुत अभिनंदन। बाड़मेर प्रीमियर लीग की तरफ से मुख्य लाभार्थी श्रीमती भंवरी देवी, नमी चंद जी छाजेड़ की पुण्य स्मृति में श्री नमी चंद जी, जगदीश चंद जी, संपत राज जी, रमेश कुमार जी, जसराज जी, बाबूलाल जी, प्रणव कुमार छाजेड़ का हार्दिक अभिनंदन। इसी कड़ी में मंडप के लाभार्थी मातुश्री धनी देवी, शंकर लाल जी, पुत्र वीरचंद जी, पवन कुमार जी, दिनेश कुमार जी लालन का भी खूब खूब अभिनंदन। नाश्ते के लाभार्थी, इसी कड़ी में मैच चालू हो चुका है, आउट, बीट हुए गजब के, बल्ले का ऊपरी किनारा लगा, अच्छे से शॉट नहीं लगा पाए। प्रेम गुरुदेव ब्लास्टर की तरफ से शानदार शॉट और ऊपर का निर्माण, ये जबरदस्त फील्डिंग, कैच ड्रॉप हुआ लेकिन बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही बढ़िया ट्राई किया उन्होंने। क्रिकेट में एक पुरानी कहावत है, पकड़ो कैच जीतो मैच, विन द कैच विन द मैच। ओ बीट हुए, गुड बॉलिंग बाय राजू भाई साहब। ओ बहुत अच्छी बॉलिंग, गुड बॉलिंग, शानदार बॉलिंग, चार बॉल दो रन, पांच बॉल दो रन। क्या ओवर रहा है, मात्र दो रन आए हुए, मात्र तीन रन, एक ओवर तीन रन, ओवर की समाप्ति, ओवर की समाप्ति, बहुत ही अच्छा ओवर रहा। इसी कड़ी में दोपहर के भोजन के लाभार्थी श्री ऋषभ दास जी एवं श्री हंसराज जी छाजेड़ की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंशी देवी, डूंगरमल जी, अनिल कुमार जी, अरुण, दर्शन, खुश, समस्त शेरानी छाजेड़ परिवार, आरसानी वाले, हाल भिवंडी, अरिहंत ग्रुप। शाम के भोजन के लाभार्थी पिताश्री देवी चंद जी की स्मृति में मातुश्री मोहिनी देवी, पुत्र स्वर्गीय जगदीश चंद जी, छगन लाल जी, मदन लाल जी, संजय कुमार जी छाजेड़ परिवार, बाड़मेर आल भिवंडी, बाड़मेर प्रीमियर लीग उनका हार्दिक स्वागत करता है। और यस गुड बॉल, अच्छी फील्डिंग, अक्षत संकलित, अक्षत संकलित, अक्षत टू प्रेम बोहरा, प्रेम बोहरा बैटिंग कर रहे हैं, मुकेश टू प्रेम बोहरा। बल्ले पे अच्छे से बॉल नहीं आई, फास्ट शॉट नहीं लग पाया, एक रन से संतोष लेना पड़ा प्रेम को। दो बॉल पांच रन, आउट, एक रन और, एक रन मात्र। इस टूर्नामेंट में एक एक रन से संतोष लेके काम चलेगा नहीं भाई, बहुत ही सूझबूझ से खेलते हुए यहां पे ये प्रेम का, ओ बच गए। चार बॉल सात रन, क्या बॉलिंग, ओ कैच है, आउट है, क्या बॉलिंग करते हुए मुकेश जी, अक्षत आओ, गुड बॉलिंग बाय मुकेश जी, बहुत ही सूझबूझ से खेलते हुए, बहुत ही इकोनॉमिक बॉलिंग हो रही है और
हाफ सेंचुरी मारने वाले मिलन जी सेठिया, सामने मुकेश जी बॉल खेलते हुए, यह आते ही स्वागत किया है, मिलन सेठिया ने बॉलर प्रेशर में आते ही स्वागत किया है मिलन ने। मिलन अपनी पहचान के अनुरूप ही खेलते हुए दो ओवर की समाप्ति में 13 रन 1 विकेट। बाड़मेर प्रीमियर लीग की तरफ से टी एंड स्नैक्स के लाभार्थी मातुश्री कमला देवी, सदेश श्री प्रकाश चंद जी बोहरा, पुत्र जितेंद्र कुमार जी, नरेश कुमार जी, पुत्र मोती तनिष्क एवं समस्त मिठड़िया बोहरा परिवार भिवंडी, खूब खूब अनुमोदना। हेलो, बॉलिंग अक्षत, बैटिंग करते हुए प्रेम, प्रेम थोड़ा प्रेशर में, ओहो गुड बॉलिंग, अरे गुड रनिंग मीटिंग द विकेट्स बाय मिलन एंड प्रेम, शानदार दो रन चुराते हुए, एक बॉल 15 रन 1 विकेट। तीसरे ओवर पे क्या शॉट लगा, स्ट्रेट एकदम सिक्स रन, सीडीएम सिक्स। बॉलर प्रेशर में, लगता है गुड फील्डिंग बाय रौनक, रौनक गया, गुड फील्डिंग, एक रन से संतुष्ट हुए। स्कोर 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 हुआ 22 पे। क्या बात है, गुड शॉट, ये प्लेसमेंट, फील्डिंग, एक रन से संतुष्ट, गुड फील्ड महावीर जी, गुड फील्डिंग बाय महावीर। चार बॉल 23 रन, गुड बॉल, गुड बॉल, गुड बॉल, गुड बॉल, नो बॉल होते, फास्ट बॉलिंग के सबसे नो बॉल है, अंपायर डिसीजन फाइनल डिसीजन है, प्लीज। बल्लेबाज को एक फ्री हिट मिलेगी, फ्री हिट, फ्री हिट में सिर्फ रन आउट ही आउट होता है। शानदार बॉलिंग करते हुए क्या घुमाया है लेग स्पिन, नहीं नहीं नहीं, एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और 5 बॉल 25 रन, तीसरी ओवर पे स्ट्राइक पे मिलन, बॉलिंग करते हुए अक्षत, क्या बात है, कैच ड्रॉप, छब्बीस रन पे 3 ओवर की समाप्ति पे 1 विकेट। इसी कड़ी में बाड़मेर प्रीमियर लीग की तरफ से टी शर्ट के लाभार्थी माननीय श्री घेवर चंद जी, पोकर चंद जी छाजेड, मोतीलाल जी, दिनेश कुमार जी, भावेश, आयुष, भुवाल टेक्सटाइल भिवंडी, खूब खूब अनुमोदना। मरुधर में धोया नाडा, वर्तमान में भिवंडी। अभी नेक्स्ट ओवर इज पावर प्ले, एवरीबडी इज रेडी फॉर पावर प्ले, पावर प्ले ओवर। पधारे हुए सभी मानुओं का हार्दिक स्वागत, बाड़मेर प्रीमियर लीग सीजन 1। गुरुदेव ब्लास्टर, स्टार प्लेयर मिलन, हाँ मिलन, महावीर टू मिलन, महावीर टू मिलन, ओ बी टू ए मिलन, ओवर थ्रो आते हुए, एक रन से ही संतुष्ट, बॉल अच्छे से बल्ले पे आई नहीं, एक रन से ही संतुष्ट होते, एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा मिलन को। क्या अच्छा शॉट, क्या ड्राइव लगाई है प्रेम ने, सुपर, एक रन लिया आसानी से। बाड़मेर प्रीमियर लीग द्वारा ट्रॉफी के लाभार्थी श्रीमती कुसुम देवी, श्री पुष्प कुमार जी, हार्दिक डांगरा, घाटकोपर भिवंडी, खूब खूब अनुमोदना। दो बॉल 28 रन 1 विकेट, महावीर टू विलन, नेक्स्ट बॉल आगे आते हुए लगा नहीं, लगता है बैट पे क्लियर, ये रन आउट होते हुए मिलन सेठिया, What a throw, what a throw by Raju bhai saab, what a throw। और गुरुदेव ब्लास्टर को बहुत बड़ा झटका मिलन के रूप में,
राजू भाई ने क्या थ्रो लगाया शानदार। पिछले गेम में शानदार बैटिंग करने वाले मिलन आउट। बाड़मेर प्रीमियर लीग द्वारा टॉप टॉस का बॉस के लाभार्थी माननीय श्री बंशीधर जी, राकेश कुमार जी, मुकेश कुमार जी, विकास कुमार जी दोषी, सिद्धार्थ टेक्सटाइल, पाली हाल भिवंडी, खूब खूब अनुमोदना। नया बैट्समैन कमले जी, नए बैट्समैन कमलेश जी छाजेड़, महावीर टू प्रेम, महावीर टू प्रेम दबा के शॉट मारा, एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। क्या लगता है आपको मैच कहां जाएगा? अभी तक तो 50-50 की पोजीशन लग रही है। बल्ले का बाहरी किनारा लगा, एक रन दौड़ के ले लिया। स्कोर 29 रन दो विकेट के नुकसान पर गुरुदेव ब्लास्टर। 30 रन लास्ट बॉल ओवर की क्या बात है, ये लगा सीडीएम सिक्सर। बाड़मेर प्रीमियर लीग द्वारा बाउंड्री के लाभार्थी माननीय श्री संपत राज जी, सुख राज जी, भरत कुमार जी, मुकेश कुमार जी, संकलेचा परिवार, पाली हाल भिवंडी, खूब खूब अनुमोदना। प्रेम ने बहुत ही प्रेम से अपनी कलाइयों का इस्तेमाल किया और सीटीएम सिक्सर। अक्षय टू कमलेश जी, क्या बात है, क्या बीट हुए, गुड बॉलिंग बाय अक्षय, गुड बॉलिंग। ओ रन आउट चूक गए, अबे मिस फील्डिंग बाय खिलाड़ियों की आपस में कोऑर्डिनेशन मिसअंडरस्टैंडिंग होते हुए यहां पे गेम में पांचवा ओवर है, आपसी तालमेल जरूरी खिलाड़ियों के बीच में। डॉट बॉल और ये आउट, शानदार कैच लिया बाड़मेर प्रीमियर लीग द्वारा विकेट कीपर। बाड़मेर प्रीमियर लीग द्वारा कैप टोपी के लाभार्थी माननीय श्री भूरचंद जी, हरिराम जी सिंघवी, रमेश जी, विजय जी सिंघवी, एजेंसी बीसी ग्रुप, सूरत भिवंडी, खूब खूब अनुमोदना। 36 रन गुरुदेव ब्लास्टर, क्या बॉलिंग की है जितेंद्र, क्या बॉलिंग की अक्षय ने, तीन बॉल डॉट हो चुके हैं, इसमें से एक विकेट आई हुई है। अक्षय टू जीत, अच्छी बॉलिंग लेकिन बचते हुए जितेंद्र एक रन लिया। क्या बात है, क्या शॉट मारा यहां पे प्रेम ने, एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा प्रेम को। 38 माजी साहब की जो बॉलिंग है उसकी वाकई में तारीफ करनी पड़ेगी। डीजे साउंड के लाभार्थी मुकेश जी बोहरा, दिलीप जी भंसाली, दिनेश जी शर्मा, संख्या एजेंसी, खूब खूब अनुमोदना। बाड़मेर प्रीमियर लीग द्वारा सूरत भिवंडी। ये लास्ट ओवर है, थोड़ा सा स्कोर कम होते हुए बाड़मेर प्रीमियर लीग द्वारा एनर्जी ड्रिंक के लाभार्थी श्रीमती गोदावरी देवी, व्यापारी लाल जी बोहरा हलावाला, सूरत भिवंडी, खूब खूब अनुमोदना। तिलक द्वारा बहुमान के लाभार्थी रतन लाल जी, भरत कुमार जी, सुमित कुमार जी, बोथा परिवार, आरआर ग्रुप भिवंडी, खूब खूब अनुमोदना। लास्ट ओवर, क्या बॉल है, सीटीएम सिक्सर प्रेम। इसी सिक्सर की गुरुदेव ब्लास्टर को सख्त जरूरत थी। बॉलर प्रेशर में आते हुए नो बॉल फ्रीड। वाइट बॉलर प्रेशर में दिखता हुआ यहां पे बॉल 46
क्या बात है, CTM 6 डीजे 52 कुशल, क्या बात है, तीसरा छक्का ये और तीसरा छक्का प्रेम बोरा CTM 6R। प्रेम बहुत ही प्रेम से अपनी कलाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं और छक्के पे छक्का लगा रहे हैं और ये लूज बॉल और कैच, ये ड्रॉप, ड्रॉप द कैच। कहावत है कि कैचेस विन द मैचेस, लग नहीं रहा है यहाँ पे निधि सुपर किंग्स के। भारतीय प्रीमियर लीग द्वारा माला द्वारा बहुमान के लाभार्थी माननीय श्री बोरी दास जी, राकेश कुमार जी, ललित कुमार जी, श्री माल माजी सा ग्रुप ऑफ इंडिया रंडा वाले हाल भिवंडी मोडा वाले एक और सिक्स प्रेम बोरा द्वारा CTM 6 छक्कों की इस बारिश को देखते हुए श्री मदन लाल जी बोरा द्वारा अपने पुत्र को प्रेम बोरा को 5100 रुपए की एक शानदार भेंट। अपनी आखिरी ओवर में चार छक्के आते हुए भाई प्रेम बोरा, गुरुदेव ब्लास्टर ने आखिरी ओवर में चार छक्कों के साथ अपने स्कोर बोर्ड को 66 तक पहुंचा दिया। पद्मावती सुपर किंग्स वर्सेस संकेश्वर फाइटर्स, उनके कैप्टन को रिक्वेस्ट है कि टॉस के लिए आ जाए संकेश्वर फाइटर्स वर्सेस पद्मावती सुपर किंग्स। और टॉस के लाभार्थी श्रीमान विकास जी डोशी, पद्मावती सुपर किंग्स वर्सेस संकेश्वर फाइटर्स के कैप्टन को अनुरोध है कि स्टेडियम में आके टॉस के लिए स्टेडियम में आए। संकेश्वर फाइटर्स के कैप्टन टॉस के लाभार्थी विकास जी डोशी, श्रीमान विकास जी डोशी। आज के सुबह के नाश्ते के पश्चात सुबह का भोजन कुछ समय में शुरुआत होगी, उसके लाभार्थी माननीय श्री ऋषभ दास जी एवं श्री हंसराज छाजेड़ की पुण्य स्मृति में श्रीमती हंसी देवी, डूंगरमल जी, अनिल कुमार जी, अरुण, दर्शन, खुश, समस्त शेरानी छाजेड़ परिवार, हरसानी वाले हाल भिवंडी अरिहंत ग्रुप। निधि सुपर किंग को मैच जीतने के लिए 67 रन का टारगेट मिला है, क्या लगता है आपको ये टारगेट चेस कर पाएंगे निधि सुपर किंग्स? सर देखिए ऐसा है कि खिलाड़ियों की कैपेबिलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो निधि सुपर किंग एक बहुत ही मजबूत टीम है। अच्छा, फिर भी इस मैच में 67 का स्कोर भी कोई कम नहीं है, हाँ चेस कर सकते हैं, तो ये गेम बहुत ही रोमांचक होने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि फैसला आखिरी ओवर में ही होगा। हाँ सही बात है, बाड़मेर लीग मैच क्रिकेट टीम के द्वारा आदेश के पालन करते हुए मैं कैसे भूल सकता हूँ उन सहयोगियों का जिनके सहयोग के बिना ये कार्य संपूर्ण नहीं होता। सभी लाभार्थियों का मैं नाम ले रहा हूँ, माननीय श्री छगन लाल जी, नकतमल जी, संकलेचा भालर फैब्रिक, धाई देवी, भगवान दास जी, बोरा सर्वोदय एजेंसी, गौतम चंद जी, चिंतामण दास जी, शुभलाभ सिल्क मिल्स, सुहा देवी, शंकर राज सिंघवी, MS टेक्सटाइल्स, राकेश कुमार जी, नमित चंद जी छाजेर, अरिहंत ट्रेडिंग कंपनी, सुमेर चंद जी, माया चंद जी हुंडिया, श्री कुशल टेक्सोफिन, छगन लाल जी, मेवराम जी घिया, शिवम ग्रुप सूरत हाल भिवंडी, सुरेश कुमार जी, बाबूलाल जी सिंघवी, राजलक्ष्मी इम्पैक्स, पुखराज जी, दिनेश जी राठी भिवंडी, श्री सिद्धि विनायक स्टील, रतन लाल जी, देवी चंद जी वडेरा, DR ग्रुप,
श्री जितेंद्र कुमार जी, भारत मल्जी खाजे, सियान सिल्कविज, भरत कुमार जी, बाबूलाल जी संकलेचा, वेलकम ग्रुप, राकेश कुमार जी, केवल चंद जी धरीवाल, सुबलक्ष्मी फैब्रिक, मदन लाल जी, शंकर लाल जी बोरा, धरीवाल इंटेक्स, पवन कुमार जी, नमी चंद जी भंसाली, एम पी कॉटन मिल, हितेश जी, ओम प्रकाश जी भाईती, शक्ति स्टील, अशोक कुमार जी, केवल चंद जी बोथरा, वी एम टी ग्रुप, जितेंद्र कुमार जी, मिश्री मल जी छाजेर, भिवंडी, मांगीलाल जी, आसूलाल जी बोथरा, एम वीर एंटरप्राइजेस घाटकोबर भिवंडी, जतनो देवी स्वर्गीय श्री मिश्री मल जी तातेर, अशोक सैस एजेंसी, अशोक जी तातेर, जगदीश चंद जी, कानमल जी सिंघवी, अरियंत फैबटेक्स, गौतम चंद जी, पुखराज जी सेठिया, सिजुम कुशल फैब्रिक्स, धोरीमन्ना भिवंडी, भरत कुमार जी, चिंतामण दास जी मालू, रिद्धित फैबटेक्स कगाऊ भिवंडी, श्री मां लक्ष्मी टेक्सटाइल, राहुल जी बोथरा धरीवाल भिवंडी, जितेंद्र कुमार जी, बाबूलाल जी संकलेचा, एप्पल ग्रुप, नरेंद्र कुमार जी, अमृतलाल जी गोठी, सच्चे माता फैबटेक्स, श्री मुकेश कुमार जी, कन्हैयालाल जी लालन, लाभ लक्ष्मी फैब्रिक, बड़ा कर दो, दिखती है, बड़ा कर दो, इसी कड़ी में सुरेश कुमार जी, रूपचंद जी बोरा, जय दुर्गा टेक्सटाइल, संजय अमृतलाल जी मालू, श्री मां संचय टेक्सटाइल, सुरेश कुमार जी, आसूलाल जी मालू भिवंडी, प्रवीण कुमार जी बोरा, मंगीलाल पंकज कुमार, पवन कुमार जी, आसूलाल जी सिंघवी, गौतम चंद जी, चिंतामण दास जी चोपड़ा, पवन कुमार जी, हस्तिमल जी बोथरा, बाबूलाल जी, पारसमल जी बोरा, भवानी टक्सो ट्विस्ट, अशोक कुमार जी, बाबूलाल जी बोथरा, सद्या श्रीमती गज्जी देवी, चतुर्भुज शिशिमाल, सुभाष दत्त टेक्सटाइल मीट, मदन लाल जी, भवनलाल जी बोथरा, एम टेक्स ग्रुप ऑफ इंडिया, खूब खूब अनुमोदना बाढ़ में प्रीमियर लीग ग्रुप की तरफ से, मैच कंटिन्यू प्लीज। कमले जी टू राजू, अगले मैच के लिए क्या बात है, कोशिश बहुत अच्छी, नाकामयाब रहे। अगला मैच रामदेव रॉयल्स वर्सेज संकेश्वर टाइगर्स के बीच में है, संकेश्वर फाइटर्स, और संकेश्वर फाइटर्स ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग का निर्णय लिया है। कमले जी टू राजू जी, बॉलिंग करते हुए, कमले जी बॉलिंग करते हुए, राजू भाई साहब बैटिंग, देखते हैं मिलन के कैप्टनसी के अंडर क्या ये मैच बीट डिफीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 67 का टारगेट है, देखते हैं। शानदार स्ट्रेट ड्राइव करते हुए यहां पे गुड फील्ड बाय प्रेम, वेल ट्राई, सिक्सर को बचाया और सिर्फ एक रन से ही बल्लेबाज को संतुष्ट होना पड़ा। बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग कमले जी द्वारा, कमल चार बॉल तीन रन, बहुत ही अच्छी शुरुआत बॉलिंग से गुरुदेव ब्लास्टर्स की। स्ट्राइक पे महावीर और दबा के मारा, लेकिन अच्छी फील्डिंग, डॉट बॉल। सभी दर्शक वेट करते हुए कि सीडीएम सिक्स क्या बात है, शानदार सीडीएम सिक्सर, डीजे बल्ले पर अच्छे से बॉल आई नहीं कि सीटीएम सिक्सर लगा नहीं। महावीर शानदार शॉट बाय महावीर, ओवर समाप्ति, 9 रन पे नो लॉस। एक ओवर 9 रन, वाइड बॉल अंपायर, बॉलिंग जीतू बाय राजू, क्या शॉट लगाया है यहां पे, शानदार कैच, पहला विकेट, क्या शानदार कैच है टीम के ओनर की तरफ से, सभी लोग एक बार जोर से तालियां बजाते हुए उनके लिए, पकड़ो
कैच विन द कैच विन द मैच कैचेस विन द मैचेस मतलब पकड़ो कैच जीतो मैच शानदार सीटीएम सिक्सर से 6 रन सीटीएम सिक्सर और कैप्टन मिलन ग्राउंड पे डांस करते हुए उनके जोश को कोई भी नहीं इनके मुकाबला कोई नहीं कर सकता है एक और शॉट 4 रन सीडीएम 4 गुड बैटिंग तीन बॉल 20 रन एक विकेट प्रवीण मैंने आपको पहले भी कहा था कि निधि सुपर किंग के जो प्लेयर्स है उसमें युवा बच्चों की टीम भरमार है छोटा पैकेट बड़ा धमाका बीट होते हुए यहां पे एक अनाउंसमेंट है आप सभी महानुभावों से निवेदन भोजन तैयार है कृपया भोजन का लाभ लेवे कृपया महिलाओं से विशेष निवेदन कृपया पहले महिलाएं सीडीएम चौका डीजे महिलाएं भोजन तैयार है कृपया महिलाएं भोजन से भोजन के लिए बता रहे फिर धीरे धीरे अपने जो पुरुष वर्ग है व्यवस्था बनाए रखे आप सभी भोजन का लाभ लेकर पधारे हाँ सभी को भोजन का लाभ लेने की विनती आज के दोपहर के भोजन के लाभार्थी परिवार श्रीमती अणसी देवी रिखबदा जी छाजेड़ परिवार अरसाणी वाले हाल भिवंडी आप सभी से भोजन लेने वाइट बॉल वाइट बॉल का इशारा लंच स्टार्ट हो चुका है सबसे विनती हेलो प्रेम बॉलर नेम प्रेम स्कोर है कितना ओवर हो गए 26 पे 1 कितने ओवर की समाप्ति पे 2 ओवर की समाप्ति पे 26 26 बॉलर नेम 67 का टारगेट है और सिराग 24 बॉल सामने है 41 रन की आवश्यकता सिराग चले सामने अक्षत सामना करेंगे अक्षत ओ बॉल बीट सिंगल से काम चलाना पड़ेगा डबल लेने की कोशिश 1 रन लिया दोनों बैट्समैन के बीच में कोऑर्डिनेशन निधि सुपर किंग के जबाज बल्लेबाज महावीर सिंघवी जो हार्ड हिटर के नाम से जाने जाते हैं महावीर निधि सुपर किंग एम्पर क्या कह रहे अक्षत सामने सिराग हेलो सिराग का सामना करेंगे अक्षत एक रन डिक्लेयर्ड एम्पर सिराग ने सामना करेंगे अक्षत बीट हुए अक्षत बुरी तरह से बीट हुए लंच स्टार्ट हो चुका है आप सबसे विनती है कि भोजन ले ले सिराग कैप्टन मिलन समझाते हुए बॉलर को व्यवस्था में सुचारू रूप से सहयोग करते हुए सिराग चले सामने अक्षत सामना करेंगे अक्षत ये घुमा और ये घुमा दिया है प्रेम से बीट हुई बॉल 10 रन को सिंगल में ले जाएगा मिलन बहुत ही अच्छे कैप्टन है सिराग आज के और दबा के मारा है महावीर ने 1 ही रन मिल पाएगा और अपील बहुत ही शानदार अपील एम्पायर ने नकारा एक बार फिर से आप सबसे विनती है कि लंच स्टार्ट हो चुका है आप भोजन का प्रबंध चालू हो गया है महिलाओं से विनती है और सबसे विनती है कि सुचारू रूप से भोजन स्टार्ट कर लेवें
और व्यवस्था में सहयोग करें। आज के दोपहर के भोजन के जो लाभार्थी हैं श्रीमान ऋषभ दास जी एवं डूंगर अंशराज जी छाजेड की पुण्य स्मृति में श्रीमती अंशी देवी, डूंगरमल जी, अनिल कुमार जी, अरुण, दर्शन, खुश, समस्त बहुत ही स्टेट चारण सिरा चौका अक्षत की बहुत ही शानदार बैटिंग सिराग चलो सामने अक्षत और ये घुमा दिया है। देखते हैं सिंगल से ही ना खुश डबल लेने की कोशिश सिराग दुर्भाग्यशाली रहे और दो रन भाग के लेने दो रन तीन ओवर की समाप्ति पे 35 रन निधि सुपर किंग तीन ओवर की समाप्ति और पावर प्ले जो निधि सुपर किंग ने लिया है 35 मावीर 35 रन स्कोर मावीर निधि सुपर किंग का बढ़िया बढ़िया वाह निधि सुपर किंग के स्टार प्लेयर मावीर अभी भी क्रीज तीन ओवर में 32 रन और चाहिए निधि सुपर किंग को जीतने के लिए 18 बॉल 32 रन सभी दर्शकों से अनुरोध भोजन का लाभ लंच स्टार्ट है आप भोजन ले लेवे वाइट बॉल एम्पायर का इशारा एम्पायर द्वारा वाइट बॉल का इशारा प्रेम प्रेम चले सामने महावीर सामना करेंगे महावीर घुमा दिया है और कमले से मिस फील्ड हुआ और 4 रन महावीर बाउंड्री फील्डर प्रेम चले सामने और ये वाइड नो वाइड स्टंप के ऊपर से गई है सॉरी नो वाइड नहीं वाइड नहीं वाइड अंपायर ने डिसीजन लिया वाइड नहीं है एक और शानदार शॉट और बेहतरीन और अच्छा कैच कमलेश द्वारा बहुत ही अच्छा कैच बहुत ही शानदार कैच जो हार्ड हिटर के नाम से जाने जाते महावीर दो पेवेलियन की ओर जाते हुए कमलेश बहुत ही शानदार कैच कमलेश भाई का 15 बॉल और 27 रन की दरकार निधि सुपर किंग के न्यू बेस्ट फ्रेंड स्टार प्लेयर का कमलेश अक्षय शानदार कैच लिया न्यू प्लेयर अक्षय प्रेम प्रेम का सामना करेंगे अक्षय घुमा दिया है और ये कैच हो सकता है गोल समझता पहली बॉल में अक्षय पहली गोल अक्षय बहुत ही अच्छा कैच प्रेम को दो सफलता हैट्रिक बॉल पे ये मैच कैच पकड़ा है ललित भाई मैच इतने ज्यादा रोमांचक मोड़ पे पहुंचा है कि हर बॉल में पासा पलट सकता है मैच का कोई भरोसा नहीं कौन कब जीत जाए एक लंबा हिट बल्लेबाजी के प्रेम जाता है प्रेम हैट्रिक बॉल पे प्रेम प्रेम है हैट्रिक बॉल पे क्या एक और सफलता ले पाएंगे प्रेम ओ बीट हुए स्टंप से थोड़ा चुके डॉट बॉल प्रेम चले बहुत ही अच्छी फील्डिंग कमलेश भाई प्रेम बहुत ही अच्छा ओवर 12 पे 26 12 बॉल में 26 रन 26 रन 26 रन की जरूरत दो ओवर शेष अब मिलन मिलन किसको ओवर देंगे टाइम हमारे पास कम है एम्पायर जल्दी से जल्दी मैच को स्टार्ट कराए मिलन
मिलन सेठिया कैप्टन 12 बॉल में 26 रन। मिलन ने वापस मन को दहलाया और कैलाश जी को बॉलिंग पे लाए। कैलाश जी सेठिया जब दो ओवर शेष है 26 रन जीतने के लिए चाहिए और गुरुदेव ब्लास्टर के मुथैया मुरलीधरन बॉलिंग के लिए आए हैं श्रीमान कैलाश जी सेठिया। और अभी आप उनकी बॉलिंग देख के अंदाजा लगा पाओगे कि उन्हें मुथैया मुरलीधरन क्यों कहा जाता है। हेलो अंपायर से अनुरोध समय का विशेष ध्यान रखें, अभी बहुत सारी इनिंग्स बाकी है, किसी भी तरह का अनुशासन ब्रेक नहीं होना चाहिए। भिवंडी में जैन पाठशाला के सर श्रीमान गुरुजी धर्मेंद्र गुरुजी यहां पधारे हैं, बाड़मेर युवा ब्रिगेड द्वारा उनका खूब खूब अभिनंदन। बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत ही क्रिटिकल स्थिति है, 26 रन का टारगेट और अब 25 का। अरे अपना गुरुजी क्या किया, लवली शॉट सीडीएम 6। श्रीमान चेतन भाई मस्तान और मनीष सर पधारे हैं बाड़मेर युवा ब्रिगेड की तरफ से, खूब खूब अभिनंदन। दादावाड़ी के ज्ञान वाटी गांव के गुरुजी हमारे धर्मेंद्र सर पधारे हैं, आपका बाड़मेर युवा ब्रिगेड खूब खूब अभिनंदन करता है, आप खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब अभिनंदन। हाँ मनी जी और हमारे मस्तान जी, मनी सर और मस्तान, आदिनाथ मॉर्निंग पाठशाला के सर हमारे मनी सर और हमारे चेतन जी मस्तान और ज्ञान वाटिया गुरु जी धर्मेंद्र सर, आप सभी पधारे। गुरु बहुत ही अच्छी बोले, गुरु बिना संस्कार नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, खूब खूब अभिनंदन। कैला जी की शानदार बॉलिंग, बहुत ही अच्छी बॉलिंग कैला जी सेठिया। लंका जी चले और घुमा लिया, आई ऑल एक्चुअली बॉल और आउट हो सकते थे, लेकिन अच्छी फील्डिंग। ये मैच बेहद रोमांचक स्थिति में है, अपने ही हृदय की धड़कनों को बढ़ाने की वाली स्थिति में है। और ये बल्ले का किनारा लगा, अच्छे से शॉट नहीं लग पाया। बहुत ही अच्छी फील्डिंग गुरुदेव सर, गौतम जी गुरुदेव, केला जी सेठिया। ओवर की समाप्ति पे, ओवर की समाप्ति, एक ओवर में जीतने के लिए 16 रन की जरूरत निधि सुपर किंग को, एक ओवर में 16 रन। क्या लगता है आपको ये अचीव कर पाएंगे? अचीवेबल है, देखते हैं सामने लंका जी खड़े हुए क्या बोलते हैं। एक और 16 रन कोई नामुमकिन वाली बात नहीं है, मात्र 2 सिक्स और 1 फोर की आवश्यकता है। एक खराब गेंद मैच को पासा पलट सकती है और एक अच्छी बल्लेबाजी मैच का पासा पलट सकती है। अंपायर के डिसीजन पे ध्यान देवे और किसी तरह की बहस से बचे। बहुत ही रोमांचक मैच चलता हुआ, निधि सुपर किंग गुरुदेव वॉरियर्स बॉलिंग पे, गौतम जी गुरुदेव, गौतम जी चले 6 बॉल 16 रन। ओ बीट हुए, एक रन बाई का मिलेगा नरेश जी लंका को, बाई एम्पायर द्वारा वाइट द्वारा इशारा। बहुत ही अच्छी कैप्टनिंग मिलन, बस घुमा दिया है एम्पायर ने, न करा नोट आउट इशारा। बहुत ही अच्छी कैप्टनशिप मिलन,
ये गेम जीतना निधि सुपर किंग के लिए बहुत जरूरी है। वो पिछला मैच हार चुके हैं, चार बॉल में 15 रन की जरूरत। और ये शानदार शॉट और विकेट, बहुत ही शानदार कैच। इस कैच ने मैच की दिशा को बदलने का काम किया है और निधि सुपर किंग के लिए अब करो मरो की स्थिति। क्या कैप्टनशिप है मिलन सेठिया, बहुत ही शानदार कैप्टनशिप। उतनी अच्छी बॉलिंग गौतम जी की, बहुत ही अच्छी बॉलिंग गौतम जी। और गुरुदेव बहुत ही अच्छी कंडीशन में, 3 बॉल में 15 रन पिछला गेम गुरुदेव जीत चुके हैं मिलन। अगर वो ये मैच जीतते हैं तो सेमीफाइनल में उनका प्रवेश मिलन सेठिया का हो जाएगा। गौतम जी चले सामना करेंगे सुरेश जी, और घुमा दिया है मैच का कोई भरोसा नहीं, मैच का कोई भरोसा नहीं। कब पट्टी मार दे, इस दो बॉल में छक्का लगाया भाई साहब। ओ बीट हुए, बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद। ये आखिरी बॉल है, ओ बीट हुए और आज का ये लीप दो मैच।